हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन का. ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए की कॉपी को रीड आउट करते हुए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए की कॉपी बनाता है. वो मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, ट्रांसफर आरएनए भी हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है. इन केस ऑफ यूकेरियोट्स जो मेजर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, इसकी तीन टाइप्स हैं इन यूकेरियोट्स ओनली, और वो तीनों टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के आरएनए के लिए स्पेशलाइज्ड हैं. आरएनए पॉलीमरेज वन, सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. आरएनए पॉलीमरेज वन जो है वो राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करता है. आरएनए पॉलीमरेज टू जो है वो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन. इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली देर आर टू पार्ट्स जिनसे ये मिलकर बना होता है, मेजर पार्ट्स. नंबर वन इट इज सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर का काम है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट जिसको आप प्रमोटर रीजन कहते हैं उसको रेकग्नाइज करना. ये उसको रेकग्नाइज भी करता है और बाइंड भी करता है, इनिशिएशन साइट या प्रमोटर रीजन को. दूसरा जो इसका मेजर पार्ट है दैट इज कोर एंजाइम. कोर एंजाइम जैसे ही ये प्रॉपर साइट पे बाइंड करेगा प्रोमोटर साइट पे, कोर एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन स्टार्ट कर देगा और पॉलीमराइजेशन करते हुए एंड तक टर्मिनेशन तक जाएगी. सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन जिस पार्ट ने करवानी है वो है कोर एंजाइम, लेकिन उसके लिए इनिशिएशन ज़रूरी है. प्रोमोटर रीजन की बात करें तो प्रोमोटर रीजन डिफरेंट साइट्स पे लोकेटेड होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकेरियोट्स. देर आर टू मोस्ट फेमस प्रोमोटर रीजन्स. नंबर वन इज टी ए टी डबल ए टी एंड नंबर टू इज टी टी जी ए सी ए. इनकी प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में जो पोजीशन है उसका डिफरेंस है. बेसिकली प्रोकैरियोट्स में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इनकी पोजीशन होती है -10 एंड -35. इन केस ऑफ यूकेरियोट इट इज -25 एंड -75. ये पोजीशन जो स्टार्टिंग कोडोन या इनिशिएशन कोडोन है उससे पीछे या बैकवर्ड जो डीएनए है उससे ली जाती है. मींस -10 पोजीशन मींस 10 न्यूक्लियोटाइड और 10 बेस पेयर बिफोर द इनिशिएशन और द स्टार्टिंग कोडोन ऑफ द जीन. जैसे ही इनिशिएशन हो जाती है तो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन को कंटिन्यू करता है. यहाँ पर जैसे ही अनवाइंडिंग होगी और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है, इट फॉर्म्स अ बबल कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल. डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है, एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड जिसमें बेसिकली प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रिजाइड करती है लेकिन इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं की जाती. एक साइड से रिवाइंडिंग होती रहती है और दूसरी साइड से अनवाइंडिंग चलती रहती है और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हुए जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन आरएनए न्यूक्लियोटाइड, तो ये ऐड करते हुए एलोंगेशन चलती रहेगी. जब टर्मिनेशन करनी होगी तो टर्मिनेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है विच इज टर्मिनेशन सीक्वेंस. टर्मिनेशन सीक्वेंस बेसिकली हर जीन में इट इज जी सी बेस पेयर्स फॉलोड बाय ए टी बेसिस एंड देन जी सी बेसिस की वजह से यहां पे क्या होगा कि एक हेयर पिन जनरेट हो जाएगी.
which is formed due to GC basis. And then DNA par char A aane ki wajah se yahan par char U attach ho jayenge aur jaise ye form hoga messenger RNA yahan se separate ho jata hai. For example, this is messenger RNA 5 prime and this is 3 prime. Iske end pe yahan pe ye ek GC hairpin generate hui hai and these are 4 U GC hairpin. Now, in case of eukaryotes, ye GC hairpin or U, jo termination sequence hai, it is removed and converted into mature messenger RNA. Then, iske upar jo hai wo further, let's suppose this is mature messenger RNA 5 prime and 3 prime. Nucleus mein formation ke baad isne cytoplasm mein jana hai for translation or protein synthesis. So different agents like nucleases, phosphatases isko denature kar sakte hain, mutation cause kar sakte hain, alter kar sakte hain. So usse bahut zyada problem hogi. To iski protection ke liye iske 5 prime end pe ek cap attach kar di jati hai. That is called as 7-methyl GTP. 7-methyl GTP. ये बेसिकली एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है जिसमें नाइट्रोजनस बेस गवानीन पे 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसी तरह जो 3 प्राइम एंड है वहां पे पॉली ए टेल लगा दी जाती है जिसमें बहुत सारे एडिनोसिन मोनो फास्फेट न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनता है वहीं पे साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन स्टार्ट की जा सकती है सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन Our topic is translation. Translation basically is a process in which information from messenger RNA is used to synthesize a polypeptide chain or protein. Messenger RNA pe jo information hoti hai, wo codons ki form mein hoti hai, triplets codon. Isme तीन मेजर स्टेप्स हैं इनिशिएशन एलोंगेशन जिसको आप पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं एंड टर्मिनेशन इनिशिएशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स या इकोलाई इज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है बेसिकली इसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज small ribosomal subunit ab ye subunit bind karta hai with messenger rna aur messenger rna ke sath isko bind karwane ke liye ek initiation factor protein involve hota hai then it binds with A modified methionine containing transfer RNA, F methionine containing tRNA. Now this is initiation complex. जैसे initiation complex बनेगा, ये foreign से bind करेगा with large subunit of ribosome. Large subunit के साथ बाइंड करवाने में एक आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज मैग्नीशियम आयन नाउ अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो लेट्स सपोज दिस इज स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और ये मैसेंजर आरएनए इसके साथ आके प्रॉपरली बाइंड कर देता है मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस अटैच्ड होता है उसके 5 प्राइम एंड पे दैट इज कॉल्ड एज लीडर सीक्वेंस इसको हम लीडर सीक्वेंस कह सकते हैं ये प्रॉपर्ली राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के साथ मैसेंजर आरएनए की बाइंडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिस इज मैसेंजर आरएनए जैसे मैसेंजर आरएनए बाइंड करेगा इसके साथ जो है वो modified methionine containing tRNA bind kar dega. So this is F
फॉर्माइल मैथियोनिन कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए, जिस कोडोन से ये बाइंड करता है, दैट इज ए यू जी, और उसके ऑपोजिट जो ट्रांसफर आरएनए है उसके ऊपर एंटी कोडोन होगा विच वुड बी ए के ऑपोजिट यू, यू के ऑपोजिट ए एंड जी के ऑपोजिट सी. दिस इज एंटी कोडोन. और मैसेंजर आरएनए पे होता है कोडोन्स. इन द नेक्स्ट स्टेप लार्ज सब यूनिट जैसे ही बाइंड करेगा तो लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग की वजह से यहां पे तीन मेजर साइट्स बन जाएंगी. इट इज कॉल्ड एज ई साइट, जहां पे टीआरएनए बाइंड किया हुआ, इट इज कॉल्ड एज पी साइट, एंड नेक्स्ट इज ए साइट. सो जैसे ही लार्ज सब यूनिट बाइंड करता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्री साइट, ई फॉर एग्जिट साइट एंड देन पी फॉर पेप्टाइडल साइट, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, एंड ए फॉर अमाइनो एसाइल साइट, जहां पे अब नेक्स्ट सारे के सारे सक्सेसिव अमाइनो एसिड्स या अमाइनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए बाइंड करेंगे. इनिशिएशन के फौरन बाद नेक्स्ट स्टेप है एलोंगेशन का. एलोंगेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोडोन अपीयर होता है ऑन दी ए साइट. जैसे ही वो कोडोन अपीयर होता है तो नेक्स्ट अमाइनोसाइल टीआरएनए बाइंड करेगा ऑन ए साइट. जैसे ही वो ए साइट पे बाइंड करेगा, जो पी साइट पे अमाइनो एसिड है उसके दरमियान और एडजेसेंट ए साइट पे जो अमाइनोसाइल टीआरएनए का अमाइनो एसिड है उसके दरमियान रिएक्शन होगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स, इसको अगर डायग्रामेटिकली देखें तो इसमें लेट सपोज के दिस इज मैसेंजर आरएनए 5' एंड 3' एंड और ये स्मॉल सब यूनिट बाइंड किया हुआ है. दिस इज लार्ज सब यूनिट, ये उसके ऊपर तीन साइड्स हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट. ये पहले वाला जो अमाइनो एसिड है वो बाइंड किया हुआ था इसके साथ, विच इज मॉडिफाइड एन फॉर्माइल मैथियोनिन, एंड ये नेक्स्ट अमाइनो एसाइल टीआरएनए उसके साथ आके बाइंड कर गया. नाउ वही अमाइनो एसाइल टीआरएनए आके बाइंड करेगा जिसके ऊपर प्रॉपर एंटीकोडोन मौजूद होगा. जैसे ही एडजेसेंट होते हैं, सो देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स और यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो फर्स्ट अमाइनो एसाइल टीआरएनए में अमाइनो एसिड ब्रेक हो जाएगा एंड जो है वो अमाइनो एसिड एडजेसेंट अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है. इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एलोंगेशन जो है ट्रांसलोकेशन होगी. ट्रांसलोकेशन में एक प्रोटीन फैक्टर इन्वॉल्व है विच इज कॉल्ड एज एलोंगेशन फैक्टर. एलोंगेशन फैक्टर बेसिकली राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए पे मूव करेगा और ये जो एम्प्टी टीआरएनए है वो ई साइट पे आ जाएगा. दिस इज द ई साइट. और जो डाइपेप्टाइड कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए है इट विल शिफ्ट टू द पी साइट और ए साइट दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस रिपीटेडली जब तक एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन नहीं हो जाती. लेट्स सपोज दिस इज द मैसेंजर आरएनए 5', 3', और ये राइबोसोम काफ़ी हद तक ट्रांसलेशन कंटिन्यू कर चुका है. दिस इज द लार्ज सब यूनिट और ये थ्री साइट्स हैं, ई साइट, पी एंड ए साइट,
और ये एम टी टी आर एन ए यहाँ पे ई साइड पे बाइंड किया हुआ है, और ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग जो ट्रांसफर आर एन ए है, पेप्टिडाइल ट्रांसफर आर एन ए, वो पी साइड पे है, ए साइड इज एम टी वंस अगेन, दिस इज ई साइड, पी साइड एंड ए साइड. नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और ये चेन जो है वो ग्रो करती जाएगी जितना मैसेंजर आरएनए की रीडिंग पॉसिबल हो सकती है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द टर्मिनेशन स्टेप. इन द टर्मिनेशन स्टेप सबसे पहले ये होगा कि एक स्टॉप कोडोन अपीयर हो जाता है ऑन ए साइड. ए साइड पे स्टॉप कोडोन अपीयर होगा. जैसे स्टॉप कोडोन अपीयर होगा तो नेक्स्ट स्टेप में एक टर्मिनेशन फैक्टर प्रोटीन या रिलीजिंग फैक्टर जिसे कह सकते हैं आप, वो बाइंड करेगा ए साइट. जैसे ही वो टर्मिनेशन फैक्टर ए साइट पे बाइंड करेगा तो यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन और ट्रांसफर आरएनए सेपरेट होकर रिमूव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे एक स्टॉप कोडॉन यू ए जी अपीयर होता है. जैसे ही वो अपीयर होगा तो यहाँ पे एक टर्मिनेशन फैक्टर लेट्स से प्रोटीन आके बाइंड कर गए. दिस इज रिलीजिंग फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर. नाउ जैसे वो बाइंड करेगा तो इट विल रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द टीआरएनए. सारे टीआरएनए सेपरेट हो जाएंगे और दोनों राइबोसोमल सब यूनिट भी मैसेंजर आरएनए से सेपरेट हो जाएंगे. इस तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन प्रोसेस और प्रोटीन सिंथेसिस.